एवरीवन, अ वेरी वेरी वेलकम। कैसे हो आप लोग? मैं आपकी होस्टिंग दोस्त पीएस आ गई हूँ। पीएस बहुत ही सीक्रेट वर्ड है, जल्दी ही रिवील करूँगी अपने ब्लॉग में कि पीएस का मीनिंग क्या है। आप लोगों को शायद मैंने अपडेट नहीं दिया था, मेरे हस्बैंड नहीं है, गए हुए हैं शादी में और पापा भी गए हुए हैं शादी में गाँव बिहार। वो लोग बिहार से बिहार करके आ रहे हैं, आसनसोल आज आ रहे हैं। तो उनके लिए कुछ खास इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ, मतलब उन्हीं की फरमाइश पे बनाने वाली हूँ। तो उनके भाई लेने गए हैं मार्केट, तो मैंने सोचा चलो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए आज का ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। क्या क्या कैसे कैसे थोड़ा सा स्पेशल है हम नॉनवेज वालों के लिए। चलो सीक्रेट तो रिवील कर ही दिया कि नॉनवेज है। फिलहाल चलो कैसे बनाती हूँ। इससे पहले मैं जो वीडियो डाली थी उस पर आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा ही प्यार दिया था, तो इस वीडियो को भी आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, उससे तो और ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से मोटिवेट रहूँ, अपने वीडियोज़ को बनाती रहूँ, आप लोगों को दिखाती रहूँ, वीडियो शेयर करती रहूँ, ब्लॉग शेयर करती रहूँ। और हाँ, 1 मिनट ब्लॉग, मिनी ब्लॉग, व्हाट आई ईट इन अ डे, गेट रेडी विथ मी, सारे कुछ इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ जाकर देखिए, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी बजा लीजिए घंटा, ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से मिलती रहे। मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ, बने रहिएगा ब्लॉग में। और हाँ, मेरी कहानी की भी, स्टोरी की भी चैनल है, उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, उस पर भूतिया कहानी वाली स्टोरी भी बहुत जल्दी आने वाली है। जिसको भी हॉरर और भूतिया कहानी का शौक है ना, जो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी डर लगने वाली स्टोरी। तो बस अब यहाँ पे अपनी शाम की रूटीन का तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो दूध वो छान ले रही हूँ, उसके बाद चाय बना लूँगी, क्योंकि शाम को अगर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ना मिली ना, तो ऐसा लगता है ना कि शाम हुई ही नहीं है। मतलब टहल के आने के बाद ना, शाम को अदरक वाली चाय मुझे बहुत ज़रूरी होती है। और तो बस यहाँ पर दूध एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है, अदरक छील ले रही हूँ, और लगे हाथों ना टंटन गए थे बाहर वही चिकन लाने के लिए, तो मोमोज़ भी लेकर चले आए थे। तो आजकल के बच्चों को तो जानते ही हो, उन लोगों को चाट पकौड़ी और से ज़्यादा आजकल मोमोज़ बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनको मोमोज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये चिकन मोमोज़ लेकर आए थे, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बस मैंने एक खाया था। मुझे सचमुच में मोमोज़ अच्छे नहीं लगते हैं। मोमोज़ की ये येलो वाली चटनी है ना, ये मेरे को बड़ी पसंद आती है। और तो सबने खाया था, एक एक दो दो जिसको जैसा मन था उसने, सबने खाया था। मैं बस ये जो ले रही हूँ यही इतना ही खाया था, उसके अलावा अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो बस खैर, जिसकी जैसी पसंद। बट यहाँ पर फिर भी वीडियो में दिखाना है तो ये देखो, ये मैंने मुंह में रखा और मेस्मराइज हो गई। बस और बस चलिए चिकन की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चिकन को पहले मैंने हल्दी और नमक में अच्छे से मैरिनेट करके कोट करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि नमक अच्छे से मिल जाए चिकन में। और यहाँ पर बाकी की तैयारी कर ली है मसालों की। यहाँ पर प्याज कट कर लिया है, आलूओं को मैंने हल्दी और नमक डालकर भून लिया है, क्योंकि यहाँ पर आलू डलते हैं। और फिर इस बार मैं चिकन को भी फ्राई करूँगी। मैंने बताया ना, हर बार अलग अलग तरीके से बनता है, अलग अलग तरीके से जब भी बनेगा मैं आपके उसके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। इससे पहले वाली अगर रेसिपी आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें, उसके शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो इस वीडियो को भी अपना उसी तरह से प्यार दीजिए। चिकन को बस इसी तरह ना हाई फ्लेम पर भून लूँगी, और इसका टेस्ट उस टेस्ट से बहुत अलग रहता है। तो आप इस तरीके से भी बनाकर खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और सारे चिकन को फ्राई करने के बाद सेम तेल में मैं यहाँ पर 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ते डाल लूँगी। जीरा जब अच्छे से लाल चटक जाए तो कटे हुए जो प्याज थे ना उसको भी मैं डाल लूँगी और भून लूँगी। और जो भुन जाएंगे प्याज अच्छे से हल्के गुलाबी हो जाएंगे, मतलब ब्राउन, तो फिर उसमें मैंने जो मसाले पीसे हैं, अदरक लहसुन जीरा लाल मिर्च और खड़े गरम मसाले एक साथ में पीस दिए थे, वो सब डाल लूँगी। और मसालों को अच्छे से तेल छोड़ने तक भून लेना है। मसाले एकदम अच्छे से तेल छोड़ने तक भूनने के बाद उसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं डालती हूँ क्योंकि सब कुछ पीस ही देती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी ज़रूरत के अनुसार, और फिर कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, तो ये भी ऐड कर दूँगी। और उसके बाद सूखे गरम मसाले का पाउडर है तो वो भी 1 चम्मच ऐड कर दूंगी, और फिर मसालों को अच्छे से भून लूंगी। ये देखिए मसाले में बहुत अच्छा कलर आ चुका है एकदम। तो फिर जो भुने हुए आलू थे ना वो डाल लूंगी और मसाले में अच्छे से कोट कर लूंगी। और फिर भुने हुए जो चिकन है, देखिए चिकन भुनने के बाद वो 60% पक गए हैं, आलू भी 25% पक चुके हैं क्योंकि उसको भी मैंने भुना है। फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें नमक डाल दूंगी, क्योंकि नमक मैंने भूनते हुए चिकन में भी डाला था, तो उस हिसाब से आप नमक डालिएगा वरना बेसी हो जाएगा।
आलू को डाल दूंगी, आलू को अच्छे से भून लूंगी मसालों को तेल छोड़ने तक, एकदम अच्छे से कोशा कोशा हो गए हैं आलू में। अब उसके बाद जितने भुने हुए चिकन है उन सबको भी ऐड कर दूंगी और अच्छे से एकदम भून लूंगी, क्योंकि चिकन भी भून चुके हैं, आलू भी भून चुके हैं, मसाले भी भून चुके हैं। अब बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, अच्छे से मिक्स करके ज़रूरत के अनुसार पानी डाल दूंगी, गर्म पानी ही डालूंगी ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि उन लोगों का आने का टाइम बहुत नज़दीक हो गया था। मैंने सोचा कि जल्दी से खाना वाना बना लूँ, फिर थोड़ा टाइम खाली मिल जाएगा। यहाँ पर पानी डाल दिया है और इसके बाद मेरी चिकन बिल्कुल रेडी हो गई।